कल अरुण जेटली जी ने कहा कि विजय माल्या जी ने उनको पार्लियामेंट में इनफॉर्मली अप्रोच किया था। लंबे ब्लॉग लिखते हैं मगर पता नहीं क्या कारण था, इस मीटिंग के बारे में उनके किसी ब्लॉग में, किसी बयान में, किसी कमेंट में इस मीटिंग के बारे में उन्होंने नहीं कहा। और जो अरुण जेटली जी ने कल कहा कि ये मीटिंग, माल्या जी उनके पीछे आके उनसे दो तीन शब्द बोल के चले गए, वो झूठ है। और आज हम आपके लिए सबूत लाए हैं। पुनिया जी हैं, पुनिया जी ने अपनी आंखों से अरुण जेटली जी और विजय माल्या जी की मीटिंग पार्लियामेंट में देखी है। पहला सवाल ये है कि फाइनेंस मिनिस्टर एब्सकॉन्डर से बात करता है, एब्सकॉन्डर फाइनेंस मिनिस्टर को कहता है कि मैं अब लंदन जाने वाला हूं, और फाइनेंस मिनिस्टर ने ना सीबीआई को बताया, ना ईडी को बताया, ना पुलिस को बताया, क्यों नहीं? पहला सवाल। दूसरा सवाल, जो अरेस्ट नोटिस था विजय माल्या पे, उसको इन्फॉर्म नोटिस में किसने बदला? ये काम वो ही कर सकता है जो सीबीआई को कंट्रोल करता है। तो अरुण जेटली जी लंबे लंबे बयान देते हैं, अगर ये उन्होंने अपने आप किया तो ये बता दें कि हाँ मैंने अपने आप किया, अगर इनको ऊपर से ऑर्डर मिला था तो वो कह दें कि ऊपर से उनको ऑर्डर मिला। मगर ओपन एंड शट केस है, इकोनॉमिक ऑफेंडर लंदन भागने से पहले फाइनेंस मिनिस्टर से 15-20 मिनट के लिए पार्लियामेंट हाउस में बात करता है, फाइनेंस मिनिस्टर झूठ बोलते हैं, कहते हैं कि नहीं कॉरिडोर में मुझे पकड़ा और मुझे कहा कि मैं लंदन जा रहा हूं। ठीक है, अगर आपको कॉरिडोर में भी पकड़ा और आपको कहा कि लंदन जा रहा है तो फिर आपने सीबीआई ईडी को क्यों नहीं बताया कि यह भागने वाला है, इसको जेल में डालो, इसको पकड़ो। तो ये क्लियर कट कल्यूजन है, इसमें कोई ना कोई डील हुई है, और फाइनेंस मिनिस्टर को सीधा बता देना चाहिए क्या हुआ है, उनको रेजिग्नेशन दे देना चाहिए। थैंक यू।